जी नमस्कार, मेरा नाम दीपांजन मुखर्जी है और मैं हेशल फाउंडेशन से हूँ और ये है हमारी दुर्गा बाड़ी जो E7 अरेरा कॉलोनी भोपाल में है और अन्नपूर्णा जी की मूर्ति यहाँ रखी आप देख सकते हैं। उनकी पूजा यहाँ हर रोज होती है, पूरे साल दुर्गा जी हमारे यहाँ अन्नपूर्णा के रूप में पूजती है। और ये टेम्पल थोड़ा अलग है क्योंकि हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, हम नवाचार लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ देवी के भेंट में। हम सब मंदिर जाते हैं हर महीने या हर हफ्ते, शायद हम मंदिर जाते हैं, भेंट में ले जाते हैं फूल माला या नारियल या मिठाई, पर क्या हम उससे बेटर कुछ ले जा सकते हैं? सो हमारी कोशिश ये है, हम लोगों को ये बता रहे हैं, आप जब हमारे मंदिर में आए या दूसरे मंदिरों में भी जाए, आप भेंट के हिसाब से कुछ ऐसी चीज ले जाए जो दूसरों के काम आए, हमारे समाज के काम आए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दान होता है जो आरोग्य दान हम बोलते हैं। आरोग्य दान में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ लोग देवी के नाम से सैनिटरी नैपकिन्स यहाँ पे भेंट करके जाते हैं। ये सैनिटरी नैपकिन्स हम कलेक्शन करते हैं पूरे महीने, और पूरे महीने कलेक्शन के बाद हम इन सारे नैपकिन्स को ले जाते हैं FPA इंडिया के ऑफिस में, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भोपाल की जो शाखा है, हम उनके पास उनके कोलैबोरेशन के साथ स्कूल की बच्चियों में, स्टम्स में, जिन औरतों को जरूरत है, जिन बच्चियों को जरूरत है, हम उन तक ले जाते हैं। आप कह सकते हैं शुरुआत इस बात से आई कि हमारे यहाँ लोग जब पूजा के लिए आते थे, काफी सारा फूलमाला हमें अगले दिन फेंकने में जाता था, तो हमें लगा कि फूलमाला जब इतना एक्सपेंसिव होता है, आप कोई भी अरेरा कॉलोनी में भी आप कहीं भी जाओ, वो 100-150 से नीचे माला नहीं बेचते हैं, तो क्या इस, ये जो हमारा बजट होता है, क्या इसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई चीज हम खरीदे उससे जो हमारे लिए और बेनिफिशियल हो? और इसका सिलसिला चालू हुआ, हम अगर हमारे धर्म के रूट्स में भी जाए, अम्बुबाची एक फेस्टिवल होता है जो असम में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में काफी फेमस है, इतना बड़ा उत्सव होता है वहां पे, सो विच इज कनेक्टेड टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जो सब्जेक्ट है वो वहीं से निकलता है। और हमने अम्बुबाची इस साल जो 2023 की अम्बुबाची फेस्टिवल थी उससे हमने शुरुआत की, और हमने ये रखा कि सिर्फ उस फेस्टिवल तक नहीं, उसको आगे भी बढ़ाए, तो उस फेस्टिवल से हमने शुरुआत की। और आज इन पिछले 4 महीनों में वी आर वेरी ब्लेस्ड, देवी का आशीर्वाद है कि 11,000 से ज्यादा लोग सैनिटरी पैड्स लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया है, जो बहुत बच्चियों के काम आया है। और सिर्फ वो पैड नहीं, उसके साथ जो वर्कशॉप होता है वहां, जो एडुकेशन होता है, जो कॉन्फिडेंस उन बच्चियों को मिलता है अपने ही हेल्थ के बारे में, वो बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे यहाँ जो दान है, 3 प्रकार के दान किए जाते हैं। हम लोगों को एक नई हैबिट हम उनमें ला रहे हैं कि एक बदलाव आए लोगों का दान देने में। यहाँ अन्नदान होता है जहां सूखा अनाज दान किया जाता है फॉर फूड ड्राइव्स, हम स्लम्स में जाके ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद आता है विद्यादान कि आपका ये जो बजट है आप इससे हमें स्टेशनरी खरीद के दें, बच्चों की कॉपी किताब कलम पेंसिल जो होती है, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे बहुत बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई है, वो कोई एनजीओ के स्लम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बहुत काम आ जाती है, तो स्टेशनरी का दान होता है विद्यादान के रूप में। और फाइनली जो हमने कहा पहले आरोग्य दान, जिसमें सैनिटरी नैपकिन हेशन फाउंडेशन एक बहुत ही नया, मैं कहूं तो एक नवाचार के हिसाब से चालू हुआ ये इनिशिएटिव, 2 ही साल हमें हुए हैं, हम बहुत यंग हैं, हम भोपाल में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत के जितने फेस्टिवल्स हैं हम उनको पैकेज कर रहे हैं विद, हमारा जो मोटो है वो है पूजा विद पर्पस, कि पूजा तो हम सब करते हैं, अगर हम थोड़ा सा एक पर्पस जोड़ दें तो शायद हमारे समाज के लिए वो बेटर होगा। तो क्या पर्पस रहता है आपका? थोड़ा सा पर्पस हमारा ये रहता है, जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हमारे भारत का ये ब्यूटी है कि हिंदू धर्म में हर देवी देवता का एक डिपार्टमेंट होता है, तो हमारे यहाँ जब सरस्वती पूजा होती है हम एडुकेशन पर्पस पे काम करते हैं, हमारे यहाँ जब अन्नपूर्णा जी की पूजा होती है हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, हमारे यहाँ जब दुर्गोत्सव नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा पूजा होती है हम शक्ति उत्सव पे काम करते हैं, जो विमेन हेल्थ और विमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम होता है। सो पूरे साल हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काम करते हैं, महिलाओं पे और बच्चों पे एक स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन तो रहता ही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।